हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी भावनाएं आज रात आपको लेके क्या होने वाली है। गाइस, टाइम रेस्टेडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। नो मैटर आप कॉन्टैक्ट में हैं या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बस एनर्जीज मैच होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, वाओ, हाई प्रेस्टिस। देख रहे हो अपनी पोजीशन, देखो। ओ हर्मिट, कम तो भाई ये भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपसे कंपेयर किया जाए तो शायद थोड़े कम है। देखिए, आपकी पर्सन की अवेकनिंग चल रही है फॉर श्योर, ठीक है, लेकिन ये जो अभी इनका इनर वर्क जो स्टार्ट हो रहा है वो ऐसा समझो कि इनका स्टार्ट हो रहा है और आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। अगर कंपेयर किया जाए तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। आप जो इनर वर्क कर रहे हो आप सही दिशा में हो। आप बस ऐसे ही इनर वर्क करते जाइए, आप यूनिवर्स से कनेक्ट है, आपके अंदर पेशेंस आ गया है, मन में एक पीस आ गया है। हाँ, आप अपने पार्टनर को मिस करते हैं, एनर्जीज भी चेक करते हैं, बट वो एक अंदर से वो एक बेचैनी होती थी वो शायद अभी नहीं है आप में। और आपके पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पे आपको फॉलो कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेट मी चेक ये टेन ऑफ पेंटिकल्स क्या है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो जो मैं देख पा रही हूँ ना गाइस, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपको कमिट करें। यस, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास कमिटमेंट है आपको देने के लिए। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। अगर थर्ड पार्टी भी है ना तो अगर ये चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि इन देखो यहाँ पे कार्ड्स देखिए, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप हैं ये, आप इस एनर्जी में आप इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं। आपके पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स को एक पेंटिकल देके टेन ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है आपको अपनी फैमिली का मेम्बर बनाने के बारे में ये सोच रहे हैं। आप इनको लग गया, अभी इनको ये फील हो रहा है कि आप ये डिज़र्व करते हो, आपको हस्बैंड मटेरियल, आपको एज हस्बैंड एज अ वाइफ ये आपके पर्सन अभी व्यू कर रहे हैं। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। नाइन ऑफ वांड्स, ओके, फाइव ऑफ वांड, एरीज लियो सेजिटेरियस, सेप्टेम्बर मई मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। सो जहाँ तक मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके पर्सन आपसे डर रहे हैं, कहा था ना मैंने एनर्जेटिक लेवल पर आप इनसे बहुत ज़्यादा आगे हो। आपके पर्सन की इंट्यूशन इनको बता रही है कि अभी शायद आप उस एनर्जी में हो कि बिना कमिटमेंट आप तो नहीं मानने वाले, दैट्स वाई इसलिए ये सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर, ये कुछ तो मैनिपुलेशन करेंगे गाइस, कुछ तो करेंगे। और इनको ये डर है कि आप पकड़ लोगे, आप यूँ पकड़ लोगे, क्योंकि आप देखो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो। अभी आप उस एनर्जी में हो जहाँ आपके पर्सन अगर 1% झूठ बोलना भी चाहेंगे आपसे तो आप यूँ कैच कर लोगे। और इनको ये पता लग गया है कि अभी आपसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। अभी आप उस एनर्जी में हो जहाँ ये ना भी बोले तो भी आप समझ जाओगे। आप इवन आपको ये भी फील हो गया होगा, जब ये आने वाले होंगे ना उससे पहले आपको फील हो जाएगा ये आएंगे और ये बहाना बोलने वाले और ये वैसा ही करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 8 of cups टावर का कार्ड है, ये बताता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। और अगर ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ठीक हो तो ये आपकी तरफ इनको आना पड़ेगा, ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टावर के मोमेंट्स हैं, ये जो मोमेंट चल रहा है इनकी लाइफ में, टावर मोमेंट, ये किसी भी एस्पेक्ट से हो सकता है, जैसे ये इनकी इनके करियर में हो सकता है, इनके पर्सनल लाइफ से हो सकता है। ओके ओके, देखिए ये आप हो, आप 8 of cups का कार्ड मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया, एक बार और चेक कर लेते हैं ये मूव ऑन करके जा किधर रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये हाई प्रेस्टिस कौन है, आप हो, देखा ना, ये कंफर्मेशन है, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क का, इस आप माने या ना माने, आपका इनर वर्क इस इंसान को आपकी तरफ खींच रहा है। आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप ऐसा समझो, टेंशन मतलब 1% टेंशन मतलब ना, अपने पार्टनर की टेंशन लो, आप दोनों प्रोटेक्टेड हो बाय एंजल्स, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, जब आपके ईश्वर आपके साथ है, चाहे आप जिन भी भगवान को मानते हैं वो आपके साथ है, तो किस बात की चिंता है। अगर आप सही पाथ पे हो
अगर आप सही बात पे हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स की जिम्मेदारी है फिर इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की। आप यूनिवर्स पे फेथ तो करो, आंख बंद करके सरेंडर कर दो इस कनेक्शन को, लेट गो करो अपने पार्टनर को। यहाँ पे आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन से मूव ऑन करके आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं डिवाइन का प्लान है ये, ठीक है। इनकी लाइफ में ये जो ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं ना, जो ये लाइफ में उथल पुथल मचा दी है, ये यूनिवर्स ने मचाई है ताकि वो थक हार के सर पकड़ के आ रहे हैं, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे तो मेरे पार्टनर के पास जाना पड़ेगा, और ये आ रहे हैं। मुझे लग भी रहा था क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आप तो हाई प्रिस्टीज की एनर्जी में होती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड कौन है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। और यहाँ पे टेन ऑफ कप्स का कार्ड साथ में है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि आपकी पर्सन मैरिड है। अगर मैरिड है तो देखिए सिनेरियो दो हैं, अगर मैरिड हैं तो ये टॉक्सिक मैरिज में है, इनके जो पार्टनर है हस्बैंड वाइफ जो भी, लेकिन मैटर नहीं करता, ये एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ये, कि एक ऐसी एनर्जी है ये जो कंट्रोलिंग वाली नेचर की है, जिसका नेचर कंट्रोल करना है, नो मैटर ये लड़का है ये लड़की। सो इनके जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो इनको कंट्रोल में करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कनेक्शन को, जो कि आपकी पर्सन को हजम नहीं हो रहा। दूसरा सिनेरियो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन या तो इनकी मदर हो सकती है, इन पर प्रेशर डाल रहे हैं, वो भी नेगेटिव वे में, जैसे या तो इमोशनली ब्लैकमेल हो सकता है, या फिर आपके पर्सन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई मैरिज करो मैरिज करो। ओके, दो सिनेरियो थे यहाँ पे। अभी जो ब्लॉकेज मुझे दिखा है आपके पर्सन का आपकी तरफ ना आ पाना, वो इनका ईगो और सेकेंड इनका इनकी जिम्मेदारी है। चाहे अपनी लाइफ में कितने भी दुखी हों, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियाँ पहले चूज़ करेंगे। मेरी जिम्मेदारी है मेरे मेरे रिश्तों के प्रति, मेरी फैमिली के प्रति, मुझे वो निभानी है। इसी वजह से ये इंसान खुद को डिफेंड करते हैं, इस इंसान ने खुद ने ही क्रिएट की है वॉल आप दोनों के बीच। आप दोनों के बीच वो कनेक्शन कभी बन ही नहीं पाया जो कनेक्शन आप दोनों के लिए बना है। समझिए आप मेरी बात, नहीं समझ पाए। देखो आपके पर्सन ने आपसे जितना प्यार किया है या जितना वो चाहते हैं और जितना इनको एक्शन रिक्वायर्ड है इनकी तरफ से एक्शन, वो नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां बीच में आ रही हैं, बाकी की जिम्मेदारियां बीच में आ रही हैं। सो ये मुझे एक ब्लॉकेज दिखा है। ओके, सो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो। प्यार बहुत है गाइस, अगेन मैं कह दूँ प्यार बहुत ज़्यादा है, और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं। पता है गाइस, क्वीन ऑफ वांड और हाई प्रिस्टेस का जो कॉम्बिनेशन है, ओ माय गुडनेस, आपका ऑरा, आपको नहीं पता, आप इनर वर्क कर रहे हो, आपकी सोल प्योर हो रही है, आप अपनी सोल पे काम कर रहे हो, बाहर रूप तो निकलेगा, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। नो मैटर आपका स्किन टोन क्या है, मैं स्किन टोन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आपके ऑरा फील्ड की, आपके ऑरा की। अभी आप वो पर्सनैलिटी बने हो जिसको हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में, कि ये मेरी लाइफ में आए, क्या आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। आपके पर्सन भी अभी ऐसा ही सोच रहे हैं। इवन मैं तो ये कहूँगी कि हर कोई जो भी आपको आपकी स्ट्रगल को देख रहा है, जो भी आपको जानता है, वो रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि काश ऐसा पार्टनर मेरी लाइफ में हो। आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, वैसे मैं बता दूँ, स्टॉक कर रहे हैं। I'm working on myself, by myself, for myself, ठीक है, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं ये। Sorry, I'm helpless, बस ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगती। कुछ helpless नहीं है, देखो helpless ये खुद को फील कर रहे हैं, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है जो उन पर प्रेशर डाल रही है, जो उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है, दैट्स वाई ये खुद को helpless फील कर रहे हैं। I never expressed my love to you, but God knows how much I love you. ओके, सिर्फ भगवान जानता है भाई ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये खुद तो बोलेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया है। आई कॉन्ट टेल यू द होल राइट नाउ, प्लीज़ वेट फॉर द राइट टाइम। इस वक्त क्या चल रहा है उनकी लाइफ में ये नहीं बता सकते, थोड़ा वेट कीजिए। अगेन आई एम हेल्पलेस, थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, कैसे होंगी, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है जी इस वक्त सिचुएशन। आई वॉन्ट टू बी विद यू टिल माई लास्ट पेज, ये अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहना चाहते हैं। माई लाइफ माई चॉइसेस माई मिस्टेक्स माई लेसन्स नॉट योर बिजनेस, ये इनका ईगो बोल रहा है, ये एम्परर बोल रहा है, ठीक है। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप ही इनके वेल विशर हो, आपने हमेशा दुआ की है इनके सक्सेस होने की। ओके, सो लेट मी चेक कि आपके पर्सन राइट नाउ आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है,
तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है, इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है। जो भी हुआ हुआ अजीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन नसीब। फाइन रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन, ठीक है। ये कार्ड ये बताता है कि भाई ज़्यादा टेंशन लेने से अच्छा है कहीं बाहर घूमने वूमने जाओ, अपनी हीलिंग करो, रिलैक्स फील करो, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं। इतनी बड़ी तो सिचुएशन ही ख़राब नहीं हुई इतनी जितना आप सोच रहे हो, तो उसको बढ़ाओ मत ज़्यादा सोच सोच के नेगेटिव वे में। अपनी हीलिंग पे फोकस करो, बाहर घूमने जाओ अच्छा फील होगा। अरे पहाड़ों में नहीं जा सकते तो गार्डन में ही घूम लो। डिलेज वेट फॉर द राइट डिवाइन टाइम। देखिए डिवाइन टाइम यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ आपके कुछ करने से कुछ नहीं होगा, ना आपके पार्टनर के कुछ करने से। यहाँ डिवाइन टाइम वर्क कर रहा है इस कनेक्शन में, सो डिवाइन टाइम पर चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, होप असर रेजोनेट किया। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सियाराम।